हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं एक सीक्रेट पेड़, वो भी इसके अंदर जी, जो दिख रही है ना आपको माउंटेन, उसके अंदर। फर्स्ट हमें चाहिए एक स्टिकी पिस्टन, फिर हमें चाहिए एक रेडस्टोन और एक रेडस्टोन रिपीटर, और फिर साथ में हमें एक लीवर भी चाहिए, और फिर हमें एक ओक सैपलिंग चाहिए, और फिर हमें एक बोन मील भी चाहिए। और फिर अगर हम यहाँ पे इसे तोड़ देंगे, मैं एक जगह ढूंढ लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे निकला तो क्या, हमें इसे यहाँ पे ऐसे रखना है। फिर अगर हम लोग अगर यहाँ पे एक बनाएंगे, ये देखिए मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे तोड़ कर यहाँ पे इसे ऐसे लगा लूँगा। ये देखिए कितना अच्छा हो गया। और फिर हमें ऐसे करके दो ब्लॉक डिग करना है, मतलब खोदना है। हमें फिर इसे यहाँ तक ले जाना है, देना है। लीवर तो हो गया, और फिर हमें यहाँ पे ऐसे करके ये ऐसे कर लेना है। तो हमें यहाँ पे नॉर्मली ऐसे कभी कभी हो जाता है कि मैंने माइनक्राफ्ट में ऐसे कुछ चीज़ें दिख होती है, तो फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना है। अगर फिर हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, सबको लगेगा कि ये सिर्फ ऐसे ही है, ये सिर्फ ऐसे ही एक चीज है। कुछ हो देखिए, यहाँ पे भी है ना एक ऐसे, सबको लगेगा ये भी ऐसे ही है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे दिखाने के लिए कि हम लोग इसके ऊपर ऐसे ऐसे ब्लॉक लगा देंगे। तो ऐसे वो हो गया, ऐसे छोड़ो, आप चाहे तो लगा सकते हैं। मेरे में थोड़ा सा अंधेरा हो गया, मेरे में इतना लाइट नहीं है। और फिर हम इसके ऐसे बैठ कर, मतलब ये क्राउच कर ऐसे ऐसे लगा देंगे ना, नहीं। और फिर हम इसे यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे लगा देंगे, तो फिर हमारा यहाँ पे है, हम यहाँ से नहीं कर पा रहे ना, तो हमें यहाँ का लीवर तोड़ना है, यहाँ पे लगाना है। और फिर हमें यहाँ पे वापस हमारा ये लगा देना है ग्रास ब्लॉक, और फिर ये हो जाएगा। दिखाता हूँ, हमें यहाँ पे नहीं लगाना है, हमें सिर्फ यहाँ पे लगाना है, यहाँ छोड़ देना है। ऐसे लगा दीजिए और यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। लग रहा है कि नॉर्मली एक पहाड़ है, फिर यहाँ पे हमारा और नॉर्मल ये वाला, फिर अगर हम इस लीवर को दबाएंगे तो ये चल क्यों नहीं रहा है। गाइस, मुझसे कुछ गलती हो रही, मुझे नहीं पता वो क्या है। अच्छा ओके, हमें इसे यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे, फिर ये हम अगर यहाँ पे ये करेंगे तो ये ऐसे वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा।
थोड़ा सा टाइम से डिक कर देता हूँ ताकि हम आप लोगों को अच्छे से दिखे। हमें फिर यहाँ पे बहुत सारे डिक करना है, ऐसे आप कर सकते हैं जितना चाहे वैसा घर बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़े बड़े घर अच्छे लगते हैं। अब हमें यहाँ से भी एक बंद करने का सिस्टम चाहिए, तो फिर हमें ये देखिए यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे लगाएंगे बंद ये खुला, अब यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ से भी बंद ये खुला। आवाज़ आ रही है ना आपको, ऐसे ही हो सकता है। और फिर हमें ये करना है, अच्छा टॉर्च भी चाहिए क्योंकि मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है। आप भी लगा सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिख रहा है, अगर आप दिख आपको अच्छे से दिख रहा है तो फिर ठीक है। और घर के लिए तो हमें टॉर्च चाहिए। ये देखिए मैं इसे खोद के, रुको रुकिए अभी, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर तोड़ डाला, पर कोई बात नहीं मुझे फ्लोर भी वैसे भी चेंज करना है। हम थोड़ा सा मॉडर्न हाउस बनाने वाले हैं, ये देखिए ये हो गया इतना बड़ा, चाहे तो हम और बड़ा कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम बेड पे सोए फिर हम सफोकेट हो जाए, अगर हम सर्वाइवल में हमने बनाया तो हम सफोकेट हो जाए। ये देखिए खुल गया है हमारे ये पूरा घर का, इसे हम लोग बंद कर लेंगे ऐसे, है ना। फिर हम यहाँ पर नीचे उतर के वापस चलते हैं अपने खोलने। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है। अगर जिन लोगों को नहीं पता कि मैंने अपने माइनक्राफ्ट की सीरीज़ की डेट्स अलग कर दिया, मैंने बोला था कि आज मैं बनाऊंगा, पर आज फिर आज मुझे एक सीक्रेट बेस बनाना था जिसके बारे में भूल गया था, इसका मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था तो फिर मैं भूल गया था, तो फिर ये हो गई मुझसे गलती। इसलिए कल से हम स्टार्ट करेंगे माइनक्राफ्ट की सीरीज़ हमारी सर्वाइवल। हमें फिर चाहिए एक क्वार्ट्स के ब्लॉक, कोई भी क्वार्ट्स ले सकते हैं आप। फिर हमें चाहिए एक सी लैंटर्न। फिर अगर हम इसे यहाँ पे लगाएंगे तो फिर हमें यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, मतलब अभी मैं लगाया नहीं है बहुत अच्छा लगेगा फिर आप लगाएंगे तो। ये देखिए अच्छा लगने लग गया ना अभी से, ये क्या हो गया गाइस। मैं माइनक्राफ्ट में थोड़ा थोड़ा नया हूँ तो आप चाहे माइनक्राफ्ट में सिखा भी सकते हो। मैंने एक चीज के बारे में सुना है जिसका नाम है नेदर पोर्टल, और मैंने वीडियो देखी है बहुत सारी, नेदर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो सर्वाइवल सीरीज में हम पूरी गेम एंड भी करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, मैंने तोड़ दिया, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर चाहे तो हम लोग गुड़ा भी लगा
सकते हैं। मैं ऊपर, मेरा नाम यू से शुरू होता है तो आप अपने नाम का लगा सकते हैं। मैं अपना नाम यू से शुरू हो रहा है तो मैं लिख रहा हूँ अपना नाम। सारी मुझसे गलती हो गई, अब सही है। तीन बाय तीन है सब, है ना। फिर हम यहाँ पे खोद कर मैं अपना नाम के अंदर ही अच्छी लगते हैं क्योंकि देखने में वाइट वाइट हमारा फुल पूरा फिल हो चुका है। गाइस अगर आपको लगता है कि मैं अगर अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा अच्छे घर बनाता हूँ तो कमेंट में लिखिएगा। मैं ऐसे ही कभी कभी अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस की या फिर सीक्रेट माउंटेन हाउस ऐसे ऐसे कर करके मैं वीडियो बनाते ही रहूँगा। माइनक्राफ्ट की सीरीज भी खेलेंगे हम लोग करके। इसलिए सब कुछ ऐसे हो जाएगा और इसलिए सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हमें मज़ा भी आएगा और अच्छा लगेगा। और जब मेरी माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट होगी ना तो मैं उसके अंदर मुझे कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता। और चाहो तो बता सकते। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको मेरी अंडरग्राउंड सीरीज मतलब अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस मेरे पसंद आता है तो आप चाहो तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि बहुत अच्छी है ये, ऐसी वीडियोस बनाते रहो, ऐसा आप लिख सकते हो। अब ये देखिए कितना अच्छा लगेगा। यहाँ पे खोद के हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। यहाँ पे चाहे तो हम पूरा कॉर्ड फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है ना ग्लोस्टोन या फिर ये नया जो आया है शरूम लाइट, इसे भी आप डाल सकते हैं। पर मुझे ये क्या कहते हैं सी लैंटर्न मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये ब्लू ब्लू होता है, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। ये देखिए कितना के आवाज काट आई थी क्योंकि गेट खुला था, अभी कोई आया था, यानी गेट खुला नहीं था, मैं अभी गया था पानी पीने।
पर गाइस ये सब छोड़ो, ये क्या हो रहा है, ये मेरा अच्छे से बन क्यों नहीं रहा, बन तो गया। चलो यहाँ पे हो गया, हो चुका है बिल्कुल करेक्ट। व्हाइट व्हाइट चीजें मैंने अभी बताई थी, व्हाइट व्हाइट चीजें बहुत अच्छी लगती है। अरे क्या है वो, ये देखिए कितना अच्छा बन गया ये। बस अब चाहिए हमें एक, मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर एन्चेंटेड भी लगा सकता हूँ, पर लगा ही देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा बन गया ये। इसके बगल में होगा हमारा ब्लू कलर का बेड, बेड ये ब्लू नहीं है ना, हाँ मुझे भी देखने से लग रहा था ये है हमारा बेड। हो गया, ये ले लेते हैं हम लोग, फर्नेस भी ले लेते हैं, चेस्ट भी ले लेते हैं, आर्मर स्टैंड भी ले लेते हैं। ये देखिए कितनी, ये पता है एक नेदरलाइट का नया वर्जन आया है, मतलब ये नया गेम में डाला है नेदरलाइट आर्मर, इसका ब्लैक कलर है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी कभी डायमंड लेता हूँ, पर ये भी अच्छा लगता है क्योंकि जलता नहीं है लावा वावा में, ऐसे डायमंड जाल डालते हैं तो वो जल जाता है ना। ये देखिए कितना अच्छा हो गया ये, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, मैं यहाँ पे ठीक करता हूँ, रुकिए। अगर आपका नहीं होगा तो आप मत करिएगा ठीक, क्योंकि ये तो मेरा ख़राब हो गया है ना वैसे तो। ये अच्छे से मेरा, मैं इतना लाइट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, मेरी माइनक्राफ्ट गेम बहुत सारी डार्क है, डार्क बिल्कुल अच्छी, बहुत डार्क, मुझे इतने अच्छे से कुछ भी नहीं दिखता ना, आप लोगों को दिख जाता होगा। मैं यहाँ पे एक सीक्रेट रूम बनाने के भी सोच रहा हूँ, कर बना ही लेता हूँ। ये देखिए अगर मैं रेडस्टोन और पिस्टन ले लेता हूँ, स्टिकी वाला पता है ना, यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे अपना डायमंड आर्मर रखेंगे या फिर दोनों को इनके अंदर ही रखेंगे। बार ले लिया मैंने, वो मेरे पास था ऑलरेडी, कितनी बार ले चुका है मैंने। ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे लगा लेता हूँ ना, हाँ अब अच्छे से लग जाएगा। क्वार्ट्ज स्मूथ क्वार्ट्ज लेने थे ना मुझे तो, यहाँ पे ये हो गया, ये देखिए। पर अगर आप चाहे तो ये हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका इतना कोई काम नहीं, कि मैंने से पैसे ही बता दिया था। अब देखते हैं चलेगा या फिर नहीं, अगर नहीं चलेगा तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा, इतना अच्छा नहीं हो रहा था तो। ये देखिए अभी नहीं चला है ये,
गाइस रेडस्टोन चाहिए वापस, मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया, फिर मैंने इसे यहाँ पे लगाया। अब ये देखिए कि दिख तो जाएगा इतना, अब चाहे तो मैं इसे कवर कर देता हूँ, ऐसे तक कर देता ताकि सबको लगे कि ऐसा ही है डिज़ाइन। ये देखिए अब हो रहा है ना अच्छे से, और इसके अंदर आप रख सकते हैं हमारा पेश कीमती आर्मर, है ना। हम रखेंगे यहाँ पे, मुझे चाहिए सिर्फ एक डायमंड आर्मर, फिर डायमंड मेरा डायमंड का आर्मर पूरा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, हाँ हो गया। अब मुझे बस चाहिए एक आर्मर स्टैंड, पहले मुझे यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अपना नेदरराइट का आर्मर, यहाँ पे डायमंड रख, और अब यहाँ पे ऐसे नहीं इसे यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। ये यहाँ पे ऐसे रखा मैंने, अब ये देखिए कितना अच्छा हो गया। ये देखिए दोनों का दोनों मेरा आर्मर यहाँ पे, फिर मैं ऐसे क्लोज कर दूँगा, बस हो गया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।